ये मेरे पास सैमसंग टैब है, ये हमारे पास सैमसंग का टैब है, ठीक है। जितने भी सैमसंग के टैबलेट्स हैं जिनमें जो है वो इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन नहीं आता, उनका FRP किस तरह बाईपास इजीली कर सकते हैं, ये मैं आपको टोटल आज गाइड करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जितने भी सैमसंग के फ़ोन भी ऐसे होते हैं जिनमें इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, तो आप जो है वो उनको इस तरह से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर गूगल अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। ये FRP हमें इसको जो इस पर जो गूगल अकाउंट है हमें याद नहीं है, ठीक है। तो उसके जो हम गूगल अकाउंट का बाईपास करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो केबल लगानी है, ठीक है। केबल लगाने के बाद इसके अंदर जो है हमने टूल ऑन करना है, W के नाम से एक टूल है, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपको ईजिली जो है वो गूगल पे से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप आएँगे गूगल पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे SAMFW FRP टूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके नीचे तीन लिंक आए हुए, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टूल ओपन हो जाए, टूल ओपन होने के करने के बाद हमें जो है यहाँ पर इसको जो है MTP के अंदर आना है, ठीक है। ये हमारा पीस कनेक्ट हो गया, ओपन यूट्यूब करेंगे, इसमें MTP के अंदर आना है, ठीक है। यहाँ से हमने ओपन यूट्यूब कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक आएगा इसका, इसको ओपन करेंगे, उसको व्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोम खुल जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने लिखना है EFRP.me, ठीक है, ये खुल जाए। उसके बाद हमने यहाँ से जो है वो गूगल सर्च को ओपन करना है, ठीक है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमने ओपन फ़ोन, ठीक है, ओपन फ़ोन। तो यहाँ पे हम ओपन फ़ोन बोलेंगे तो जो है इसका डायलर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें कोड डायल करना *H*0*H, ठीक है। तो इसका फैक्ट्री मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम केबल डिस्कनेक्ट करेंगे इसकी और दोबारा केबल लगाएंगे। तो यहाँ टेस्ट मोड के अंदर आना है, टेस्ट मोड के अंदर आने के बाद जो है ये FRP रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये बोला है गो टू इमरजेंसी डायलर, एंटर *H*0*H क्लिक देन ओके, ठीक है। तो हम उसको ओके करेंगे। तो ये ADB जो इसकी वो अलाउ ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसको अलाउ करेंगे यहाँ से और जो इसकी FRP जो है वो सक्सेसफुली वो रिमूव हो जाएगी अब। तो ये होम स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार टैबलेट जो है वो रीस्टार्ट होगा, ठीक है। और डायरेक्ट उसके बाद वो होम स्क्रीन पे आएगा, इसको नो करेंगे। नो करने के बाद जो है टूल को अपने क्लोज कर देंगे हम। तो इसकी FRP जो है सक्सेसफुली रिमूव हमारी हो चुकी है, ठीक है। इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 10 है, ठीक है। और जो इसमें डायलर का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरह जो हम जितने भी फ़ोन हैं जिनमें डायलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो इजीली इस तरह से हम इसका बाईपास कर सकते हैं, ठीक है।